गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि सभी को पता है, कल जो है 2 अगस्त को एग्ज़ाम था, ठीक है, जो MTS का एग्ज़ाम था, फर्स्ट एग्ज़ाम यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ। और तीनों शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है वो एवरेज रहा है, ठीक है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहा, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है उस एग्ज़ाम में, ठीक है। सभी लोग ये बोल रहे थे कि थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट एग्ज़ाम है। तो फ्रेंड, देखने वाले इस वीडियो में कि आपका एग्ज़ाम जो हुआ है वो किस लेवल का हुआ है, उसका कट ऑफ कितना जा सकता है फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग। इस वीडियो में देखने वाले गुड अटैम्प्ट या सेफ स्कोर आपका कितना हो सकता है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका 4 और 3 तारीख का, ठीक है, 3 तारीख और 4 तारीख को एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम 5 तारीख से होगा। और जब 5 तारीख से एग्ज़ाम होगा तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके लिए, देखिए सभी को पता है, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है। मैथ रीजनिंग की बात करें तो ये सभी को प्रैक्टिस करनी है, सारे टॉपिक प्रैक्टिस करनी है, ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो ज़्यादा टफ इंग्लिश नहीं आ रही है, तो हमारे लिए चैलेंज होता है जनरल अवेयरनेस, ठीक है, करंट अफेयर, GK GS जो कि आ रहा है इस बार। और GS की बात तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, इकोनॉमिक्स से भी एक ही क्वेश्चन आ रहा है। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, तो उनके टॉपिक की। चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो। अगर आप ऑनलाइन फ्री स्टडी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो बेल का आइकन दबाइएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो। पहली शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे, मैंने एनालिसिस जो है ऑलरेडी डाल दिया है, तीनों शिफ्ट का कंपाइल डाल दिया है, इससे पहले मिल जाएगी वीडियो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। अगर आप उसका डिटेल वीडियो का PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो देखिए क्वेश्चन बता दूँ, देखिए क्या 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 1.5 घंटे का टाइम है। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, क्या दिखाई दे रहा है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, ठीक है। अब इंग्लिश की बात करें, ये सारा सबसे ज़्यादा इजी यहाँ पर रहा है क्योंकि 20 से 22 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड किए जा रहे हैं कि 20 क्वेश्चन आप सही करके आएँ, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वान्टिटी एप्टीट्यूड की बात करें, मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट है। आप इसमें 23-24 नंबर नहीं ला सकते थे फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है, लेकिन फिर भी 18 से 19 नंबर, ठीक है, ला सकते थे। जनरल इंटेलिजेंस की बात करें, रीजनिंग की बात करें, इजी टू मॉडरेट है 25 क्वेश्चन, और ओवरऑल देखा जाए तो एग्ज़ाम जो है मॉडरेट है। ओके, चलेंगे अब गुड अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं आपके, और गुड अटेम्प्ट्स के बाद में कितना आप सेफ स्कोर हो सकता है आपका। चलिए तो देखिए, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आप 18 से 20, जैसे कि मैंने कहा 18 अच्छा स्कोर रहेगा, 20 बहुत अच्छा रहेगा। अगर 15 से बिलो जाएंगे आप फ्रेंड्स तो थोड़ा दिक्कत आएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो आपका कम हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं अटेम्प्ट्स बता रहा हूँ आपके क्वेश्चंस के अटेम्प्ट, मैं यहाँ पर नंबर्स नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये थोड़ा अच्छा था, 23 से 24 हाइक कर सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पर अगर 22 या 20 करते तो भी अच्छा स्कोर है, लेकिन आप 18 करोगे तो ये अच्छा स्कोर नहीं है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की बात करें भाई, ये बहुत ज़्यादा टफ सेक्शन है अभी से, अब से CGL CHSL और अब MTS सबसे चैलेंजिंग बना हुआ है अभी तक, ठीक है। मैथ की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, इजी है, इजी टू कैलकुलेट थोड़ा है, मतलब मॉडरेट टू कैलकुलेट है। रीजनिंग की थोड़ी ज़्यादा इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है जनरल अवेयरनेस की, और इंग्लिश की भी ईजी है इंग्लिश, ठीक है। तीनों सेक्शन, तीनों जो हमने देखे CGL दोनों में थे, इजी इंग्लिश था, ठीक है, लेकिन इसमें भी इंग्लिश इजी है, तो यो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वांटेड कहेंगे इसको जनरल अवेयरनेस को। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज है वो 23 मैक्सिमम कर सकते हैं आप, 20 से 22 जो रहेगा वो सही स्कोर रहेगा, 20 से 22 अगर 20 से कम करेंगे, 19-18 करेंगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है, क्योंकि वो ही यहाँ पर हमें थोड़ा सा हेल्प कर रही है, ठीक है। ठीक, यहाँ पर ओवरऑल हमने देखा फर्स्ट शिफ्ट का, अब देखेंगे सेकंड शिफ्ट का जो 2 अगस्त को हुई थी। सेकंड शिफ्ट में देखिए, सभी को पता है जनरल इंग्लिश तो इजी है, अवेयरनेस की बात करें जनरल अवेयरनेस की मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ये वैसी बनी हुई है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें मॉडरेट है, रीजनिंग ईजी थी इसमें, और ओवरऑल एग्ज़ाम मॉडरेट रहा, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो मॉडरेट है। देन हम बढ़ेंगे इसके गुड अटैम्प्ट और आप कितना सेफ स्कोर हो सकता था,
तो आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड को देखें तो ये हो सकता था 18 से 19, मैक्सिमम 19, ठीक है 18 हो सकता था। आप अगर 17 या 16 करके आए तो बहुत अच्छी बात है, 15 से बिलो जाएंगे तो आप फंस सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये कट ऑफ में फंस सकते हैं, ठीक है। कट ऑफ में अगर क्लियर नहीं हुआ या फिर बेटिंग में आया तो दिक्कत आएगी। जनरल इंटेलिजेंस की बात करें 22 से 23 कर सकते थे क्वेश्चन। अवेयरनेस की बात करें, जनरल अवेयरनेस की, तो 17-18, यहाँ पर 20 से आंकड़ा ऊपर नहीं जा रहा है। मैं खुद कह रहा हूँ कि थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कि इजी लेवल है, थोड़ा सा देखिए जो क्वेश्चन आ रहे हैं हम 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन वो 20 क्वेश्चन में भी एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूजिंग क्रिएट करते हैं, उनके लिए जो है दो क्वेश्चन हटा दीजिए, देन हमारे पास 18 क्वेश्चन बचेंगे। तो क्या होगा, 17 या 15, मैक्सिमम 16 जो है, अगर आप 16 या 15 भी करते हैं तो अभी अच्छा स्कोर है, लेकिन 15 से कम करेंगे तो दिक्कत सबसे ज़्यादा आएगी किसी भी सेक्शन में। इंग्लिश में हमें स्कोर करना है तो 20 क्वेश्चन करके ही आना है फ्रेंड, सही सही, ठीक है। 20 से कम करेंगे तो आप फिर से कट ऑफ के अंदर आ जाएंगे। आपका ओवरऑल देखा जाए अटेम्प्ट तो देखिए वो आप 80 से 84 रख सकते हैं या 78-79 रख सकते हैं, ठीक है। इतने टोटल अटेम्प्ट 78-79-75 से बिलो होगा तो दिक्कत आएगी, ठीक है। देन देखेंगे 2 अगस्त का थर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो ये थर्ड शिफ्ट था, आप थर्ड शिफ्ट में जनरल इंग्लिश इजी है, अवेयरनेस मॉडरेट टू डिफिकल्ट, न्यूमेरिकल एबिलिटी इजी टू मॉडरेट और रीजनिंग जो है वो भी इजी रही है, ठीक है। टोटल ऑल ओवर एग्जाम रहा मॉडरेट। देन हम देखने वाले आपके गुड अटेम्प्ट और आपके कितने आप सेफ स्कोर हो सकता था। तो सेफ स्कोर आपका हो सकता था, ये एग्ज़ाम थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट था इस वाली थर्ड शिफ्ट में। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 15 से आप 18 कर सकते थे, जो थोड़ा सा जो जो कैलकुलेटिव था वो। जनरल टैलेंट्स को आप रीजनिंग को 20 से 22 क्वेश्चन कर सकते थे, मैक्सिमम आपको करने थे 20 या फिर मैक्सिमम आप कर सकते थे अगर अच्छा है रीजनिंग आपका तो 22, और बिलो टू 18 नहीं करना है इसमें, ठीक है। ओके, जनरल सेक्शंस की बात करें, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आप मैक्सिमम 18 या 19 कर सकते हैं, इसमें भी आपको 15 से कम क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक। करने तो हैं लेकिन आ रहे हैं तभी करने हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की जो 22 से 23 ही हमें रखने हैं, 20 से कम नहीं जाना है, क्योंकि ये हमें थोड़ा हेल्प करेगी ऊपर जाने में, ठीक है। कट ऑफ ऊपर जाने, कट ऑफ हमारा बढ़ाने में, ठीक है, मतलब कट हमारा जो है जो मार्क्स है बढ़ाने में। यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो 77 से लेकर 81 तक आप अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। 75 अगर होगा तो भी फ्रेंड यहाँ पर थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये थोड़ी टफ शिफ्ट थी थर्ड वाली, थोड़ी सी ये दोनों शिफ्ट थी, तो इसमें आपको मॉड जो आपको नॉर्मलाइजेशन होगा तो एक दो नंबर वैसे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखने वाले हैं कि आपको कौन सा जो है कौन कौन से सब्जेक्ट जो है पढ़ने या कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो बने रहिएगा, मैं बताने वाला हूँ आपको तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे उनके ऊपर जो टॉपिक हैं वो बताने वाला हूँ, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार की मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी, डिटेल वीडियो डाली थी, मैंने उसमें सारा बताया था आपको, लेकिन अब इसमें हम बात करने वाले हैं टॉपिक्स की। तो पहला क्वेश्चन हमें आया था साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, तो आपको कुछ नहीं करना, हमारे नेबर कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है, राष्ट्रपति, उनके आपको याद रखने हैं। अब याद रखने के लिए कुछ नहीं करना है, कहीं ढूंढना नहीं है, टेलीग्राम का लिंक है नीचे, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, टॉपिक आपको कर लेना है, रट लेना है, ठीक है। ओके ओके, और देन आपको जो भी हमारी नेबर कंट्रीज़ है उसमें से उन सभी नेबर कंट्रीज़ की फेमस चीज़ें करनी है, वो मैं बताऊँगा कौन सी चीज़ें करनी है। तो आपसे प्रधानमंत्री पूछे थे, ठीक है, प्रधानमंत्री मतलब नेबर कंट्रीज़ के बारे में ही आ गया, प्रधानमंत्री पूछा था पाकिस्तान का। तो पहला सबसे देखिए सारी कंट्रीज़ का आपको करना क्या है, सारी कंट्रीज़ का पहला और आखिरी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति याद रखनी है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन आया था पहली भारतीय महिला जिन्होंने इंग्लिश चैनल तैर के जो है तैरा, तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा करंट अफेयर का था इसलिए वो वहाँ पर था। मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से करने हैं। अब एक करंट अफेयर क्वेश्चन हमें आएगा, ये आएगा आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स से, तो आपको करना क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के जो अभी अभी फ़िलहाल में जो करंट अफेयर बने हैं 6 महीने या 7 महीने पुराने, बहुत सारे बने हैं, अभी 3-4 न्यू एयरपोर्ट बने हैं, तो उनका नाम याद कर लिए, कौन सी जगह पर बने हैं वो याद करिए। अगर आप इस चीज़ पर अगर वीडियो चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको 7 से 8 बजे वो वीडियो मिलेगी, और उसमें मैं बहुत सारे टॉपिक आपको कराने वाला हूँ जो आपको इससे रिलेटेड रहेंगे, ठीक है, और उसकी पीडीएफ भी आपको 7 से 8 बजे जो रहेगी वो वीडियो में मिलेगी, ठीक है।
देन आपसे पूछा गया अंडमान और निकोबार की राजधानी। तो फ्रेंड्स, ऐसे राज्य जिनमें फ़िलहाल में जो है गवर्नर चेंज हुए थे, ठीक है, उनके आपको क्या करने हैं, राजधानी याद करनी है, वो याद करिएगा जरूर। ये आ गया एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन मैंने डाला था 2-3 दिन पहले, ओके। और आपको इनका स्थापना दिवस वगैरह ही याद होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब भारत का पहला बायोस्फीयर रिज़र्व, तो ये तो एग्ज़ाम के लिए देखिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही रहते हैं कि पहला बायोस्फीयर रिज़र्व, पहला चीज़, ठीक है, जो भी फर्स्ट हो रही है वो तो याद ही रखना है। देन आर्टिकल्स से क्वेश्चन आएगा, तो फ्रेंड्स मेरी कहना है आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी याद रखना है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं संविधान के आर्टिकल्स हैं वो याद रखने, ये टॉपिक जो रहेंगे वो ज़रूर याद करके जाइएगा। 17 और 18 यहाँ पर है, 15, 17, 18 मैंने यहाँ पर कर दिए हैं, तो आप आराम से इसको भी पढ़ सकते हैं। डिटेल वीडियो नहीं है लेकिन आपको टॉपिक बता रहा हूँ, ओके। देन आगे बढ़ेंगे भाई, नेम आया था आइसलैंड, ठीक है, ये देखिए अभी ये क्वेश्चन आया था ये एग्ज़ाम में, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि APJ अब्दुल कलाम जो है अब किस आइसलैंड का नाम रख दिया गया है। पहले इसका नाम था व्हीलर द्वीप, जो कि उड़ीसा से थोड़े से दूर था, ठीक है, ओके। उड़ीसा से, उड़ीसा का जो भुवनेश्वर है उससे 150 किलोमीटर दूर है ये, इसका नाम पहले था व्हीलर द्वीप, इसका नाम रख दिया गया APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। अब ब्लैक पगोड़ा से आया क्वेश्चन, मतलब ब्लैक पगोड़ा क्या है, कोणार्क मंदिर है, सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा में है, तो आपको करना क्या है, जो भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, जो भी इंपॉर्टेंट मंदिर हैं उनको याद करने हैं, ठीक है। इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा मैं आने वाले एक दो दिन में बनाऊंगा, एक दो दिन में नहीं, मैं बनाना चाहूँगा, अगर आप दो पहले तो मैं आपको आज की एक वीडियो दूंगा जो इस पर डिटेल वीडियो रहेगी, इस पर नहीं रहेगी और इनके जो टॉपिक्स हैं उन पर। देखिए अब आपको, देखिए आपने, आपको अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा 2018 का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपने सुना होगा कि CEO पूछे गए थे, क्या पूछे गए थे, CEO पूछे गए थे किसी भी फील्ड में, ठीक है। अब आपसे फाउंडर पूछे जा रहे हैं, तो आपको करना क्या है, बड़ी बड़ी कंपनीज के, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके CEO और फाउंडर जो है याद करने हैं, और फाउंडेशन यानी कि कब इसकी स्थापना हुई भी याद करने हैं, ठीक है। अब आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी 2-3 दिन पहले, सारी रिवर जितनी भी रिवर थी उनके मैंने बताए थे कौन सी रिवर जो है किस नदी के किनारे कौन सा शहर है, आज से 2-3 दिन पहले डाली थी, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, आप उसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें 20-25 शहर हैं जो लाइन से मैंने बताया उसको रट लीजिएगा, ओके। देन आपसे पिनवैली राष्ट्रीय उद्यान पूछा, ये तो आना ही था फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन तो आते ही हैं, ओके। इसके बाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश चैनल, ये करंट अफेयर का था, ठीक है, तो ये आते ही हैं करंट अफेयर क्वेश्चन, ओके। नीलकंठ कितने राज्यों का राज्य पक्षी है, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है, ये बार बार पूछे जाते हैं। अवली बर्दी ये थोड़ा इतिहास का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सूर्य मंदिर, तो ये सूर्य मंदिर पूछा गया था आपसे, जो मैंने आपको 2-3 दिन पहले बता दिया था। अब आपसे देखिए क्या क्या पूछ सकता है, अगर आप नेबर कंट्रीज़ की बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी पूछ सकता है, राष्ट्रीय पशु पूछ सकता है, राष्ट्रीय पुष्प या राष्ट्रीय वृक्ष पूछ सकता है, ठीक है, तो ये चीज़ें पूछ सकता है आपसे, आपकी नेबर कंट्री, आप हमारी जो इंडिया की नेबर कंट्री उनके बारे में, ठीक है, तो ये याद रखनी है आपको, ओके। देन आपको ये तो याद रखना ही है वो कितनी सीमा हमारे साथ मानता है, कौन से राज्य के साथ में सीमा रखता है वो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे चलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है, ओके। आप न्यू जो जितने भी 2019 की जितनी भी बुक हैं, 18 की फेमस बुक और 19 की जितनी भी बुक अभी भी आई हैं, अभी तक आई हैं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारी बुक करनी है, जितनी भी अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको करना है आपको याद, ठीक है, क्योंकि ऑथर आ चुका है और आएगा आने वाले समय में, ठीक है, ओके। भारतीय समय निर्धारण, ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था, मुझे लगा था कि भाई ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ग्रीनविच जो है लंदन में है और हम उससे 5.5 घंटे आगे हैं, ठीक है, ओके। अब जहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर देखिए बाबर का मकबरा पूछ लिया था, तो मैंने ऑलरेडी बताया था भैया जो बकबर शाहजहाँ का, तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है, शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है, ये सारे आपको मैंने बता दिए, तो आपको ये इंपॉर्टेंट ही है, इनको ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इनसे बाहर नहीं जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में से दिल्ली सल्तनत का पढ़ लीजिएगा, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पढ़िएगा जरूर, क्योंकि दिल्ली सल्तनत से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं अभी भी, ओके। अब आपको क्या करने है, आप हर जो भी हमारे पास राज्य हैं, जो भी राज्य इतने 29 राज्य हैं हमारे पास, ठीक है, तो तेलंगाना जो नया राज्य है उसके बारे में तो पहले सबसे पहले पढ़ना है हमें, ठीक है। तो अब करना क्या है, जितने भी राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध डांस फॉर्म
नृत्य जो शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक कथा, लोक गीत जितने भी हैं, इन पर कम से कम फ्रेंड्स आपको 1 से 1.5 घंटे मेहनत करनी है। ठीक है, 2 दिन हैं, 1 से 1.5 घंटे मेहनत करनी है, इनको याद करनी है। ओके, अब हम आएंगे सेकेंड शिफ्ट पर। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का हमने टॉपिक था वो देखा हमने, अब सेकेंड शिफ्ट में सबसे पहली बात, मैंने आज GST पर फुल डिटेल वीडियो डाला है, और हो सकता है SSC ने एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा है उस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि GST परिषद, GST काउंसिल के मेंबर कितने होते हैं, ये पूछा है। तो फ्रेंड होते हैं 33, मतलब सदस्य संख्या हो सकती है 33, लेकिन अभी जो है अभी प्रेजेंट में 31 हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा है कितनी होती हैं, तो ये सही है आंसर 33, जो कि ऑप्शन में था। अगर आपको यहाँ पर कितनी है पूछा, तो वहाँ पर ऑप्शन 31 नहीं था, जो कि आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं इस क्वेश्चन पर। ठीक है, देन आपसे क्वेश्चन पूछा गया भारत छोड़ो आंदोलन, तो वो 1942 में हुआ, ये 6 को 6 आंदोलन मैंने लिख दी हैं, जो कि महात्मा गांधी के हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर लिखा हुआ। और अगर आप और भी पढ़ना चाहते हैं, महात्मा गांधी की पिताजी का नाम पूछा था, तो मोहनदास करमचंद गांधी, तो उनका पूरा नाम पहले ही से आता है, पिताजी का नाम लगा होता है, सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। अगला देखेंगे भरतनाट्यम, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि डांस फॉर्म करने हैं। ठीक है, ओके, कहाँ कहाँ देखिए, हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो आपको आना चाहिए। थोड़े से जो है राजनीति के क्वेश्चन भी आएंगे भाई। देखिए मैं राजनीति की नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है रिलेटिव है हमारे एग्जाम के लिए। ओके, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, भाई 12 GB क्वेश्चन, ठीक है अच्छा है, लेकिन इसमें से टॉपिक इतना भी नहीं बोलूँगा, ये रेंडमली क्वेश्चन है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से है, अब ये कि मैं बता दूँ, मैंने पहले ही बोल दिया फंडामेंटल राइट्स है, पहले ही बोल दिया था मैंने, फर्स्ट शिफ्ट में जो था मैंने बोला था फंडामेंटल राइट्स जो है वो USA से लिए गए और 12 से 35 तक आते हैं। अब इनको आपको याद रखने हैं, इनको फैक्ट आपको रट डालने हैं। ठीक है, अब जो भी गेम्स हो रहे हैं 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ये अब तक जो गेम होने वाले हैं फ्यूचर में भी और प्रेजेंट फ्यूचर में होने वाले हैं और जो हो चुके हैं भविष्य में, ठीक है पास्ट में हो चुके हैं, उनको आपको याद करने, तीन साल पुराने सॉरी 2 साल 18 और 19 का, ठीक है 18 19, और आपको कितने का 2020 और 2021 का, 22 तक का भी याद रखें तो बहुत अच्छी बात है, 24 तक का भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड ये जो रीशेड्यूल है वो छोटी छोटी सी डेट्स होती हैं वो याद करिएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। ओके, अब सियाचिन या फिर जो नए मुद्दे हैं हमारे पास, ठीक है यानी कि सियाचिन पर जो दिक्कत आती है भारत पाकिस्तान में, 6 महीने पहले से दिक्कत थी इसलिए ये क्वेश्चन आया है। अब आपसे पूछ सकते हैं ढोकलाम से, क्वेश्चन आ सकता है आपको ढोकलाम से, ठीक है जो चाइना और भारत के बीच, ठीक है अगर आपसे, और ऐसा भी आ सकता है कि जो चाइना से की बॉर्डर लगा हुआ है उस पर क्या, कौन सी नदी है, कौन सी नई नदी नहीं है, नेपाल पर कौन सी नदी होकर आती है, सियाचिन से कौन सी होती आती है, या पाकिस्तान में कौन सी नदी जाती है, कौन सा नदी तंत्र है, ठीक है सारा चीज़ आपको याद रखनी है। जो भी नदियाँ आ रही हैं दूसरे देश से या तिब्बत से जो भी नदी आ रही हैं, आपको पता होगा मानसरोवर से, देखिए आपको पहले तो अगर आपको नदियाँ पढ़नी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर नदियाँ पढ़नी है तो बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत बेसिक था, इसको बताने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। सूर्य होगा, सूर्य के नज़दीक का ग्रह बुध होगा। ठीक है, IMF का हेडक्वार्टर, सभी के हेडक्वार्टर, सभी के हेड और सभी के जो जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी जो होते हैं, मतलब जितने भी संस्थाएं हैं उनके, तो आपको सारी चीज़ याद करनी है, ये तो सभी करनी है। ठीक है, ये जो है देखिए, अब जिस किसने किस चीज़ का इन्वेंशन किया, ये ग्रुप डी वाला ही यहाँ पर वो चीज़ पकड़ में आ गई हमारे लिए, कि ग्रुप डी वाला ही चीज़ यहाँ पर वो डाल दी, बस वो टाइपराइटर का एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन नहीं आया तो आज आ गया। ठीक है, तो आपको माउस, टाइपराइटर, कंप्यूटर, ठीक है, और आपकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जितनी है उतनी याद करना अच्छी बात है। ओके, देन आपको USA का राष्ट्रीय खेल, मैंने कि देखिए पहली मैंने बोल दिया राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय चिन्ह, उनकी करेंसी, उनके प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रपति, वो याद करने, ठीक है किसके, USA की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं नेबर कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, वो पॉसिबिलिटीज़ मैक्सिमम है। ओके, सबसे बड़ा मैदान, अब आपको देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये क्वेश्चन आया है आपका ICC वर्ल्ड कप से। ICC वर्ल्ड कप हुआ 2018-19 में हुआ, उसको 18-19 बोलेंगे, ठीक है अब वो एग्ज़ाम में 18-19 नहीं बोलूँगा, 19 बोलेंगे उसे, ठीक है तो वो एग्ज़ाम में हुआ 19 में, तो सॉरी क्रिकेट हुआ 19 में। तो फ्रेंड इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ये पहला क्वेश्चन था जो मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट था, उन्होंने ये पूछा कि
सबसे बड़ा क्रिकेट का मैदान कौन सा था, ये डिपेंड कर रहा है, ये बिल्कुल उससे रिलेटेड कर रहा है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्रिकेट स्टार्ट हुआ था या वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था वो लॉर्ड्स लंदन के मैदान से स्टार्ट हुआ था, जो कि सबसे बड़ा अभी तक का ग्राउंड है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको आप आईसी वर्ल्ड कप की मैंने वीडियो डाली है, जाकर देखिएगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पूरा, एक ही बार में सारा कन्फ्यूज़न कर अलग मतलब हट जाएगा। G20 के सारे सम्मेलन मैंने लिख दिए हैं, 19, 20, 21, 22, ये भारत वाला 22 है, वो 21 लिखा है 22 लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको तीनों चार ये हैं याद कर लीजिए, ठीक है, आगे मदद करेंगे। ठीक है, थर्ड शिफ्ट है तो सभी को बता दूँ, थर्ड शिफ्ट है कौन दो बार राष्ट्रपति बना है, ये तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। ठीक है, भारत की जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। 28वां व्यास सम्मान, ये एग्ज़ाम में मैंने ये जो है आज से 10 दिन पहले ही मैंने करा चुका हूँ। ठीक है, ओके, कौन सा मौलिक अधिकार, भाई अधिकारों से फिर थर्ड शिफ्ट में आ गई है। ठीक है, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड था। ओके, आगे मुका सिल्क, तो ये राज्यों के बारे में आपसे पूछ लिया। ग्रेफाइट, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आरबीआई नियंत्रित नहीं करती, बहुत सिंपल क्वेश्चन। जम्मू एंड कश्मीर, आरबीआई के रूल्स वहाँ पर नहीं चलते हैं। ठीक, कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है भाई, देखिए सबसे पहली बात ये याद होना चाहिए कहाँ पर लगता है। द्वार हरिद्वार में लगता है, प्रयागराज में लगता है, नासिक में, उज्जैन में लगता है, चार जगह पर लगता है भाई। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पुरी में नहीं लगता। ठीक है, कहाँ पर नहीं लगता, जगन्नाथपुरी या पुरी जो है उसमें नहीं लगता, तो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज हमें इसे बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो सबसे रिसेंटली वाला जो जो हुआ है उसको कहेंगे कुंभ, उसको कहते हैं अर्धकुंभ एक्चुअल में। ठीक है, जो अभी इलाहाबाद में से बोलते हैं अर्धकुंभ, तो अर्धकुंभ हुआ है फिलहाल में कहाँ, इलाहाबाद में। और इलाहाबाद किस नदी के किनारे, ये आप मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, ओके, वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा आपको मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ उसको थोड़ा आराम से कैच करिए। देखिए अब आपको ये चीज़ें तो देख रही है, एक्सपेक्टेड है, संयंत्र और इस्पात, ये क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, ओके, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन सारे जो है आप कर लीजिए। ठीक है, जितने विटामिन है किससे क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें याद करिए। ओके, ये आपको देखिए वायरस और जो वायरस हुए, ठीक है, बैक्टीरियाज हुए, जो भी चीज़ हो रही है उनसे कहने वाले जो भी रोग हैं वो याद कर लीजिएगा। ये मैंने वैसे ट्रिक रखी है, वायरस से जो ग्रसित होते हैं रोग वो कौन कौन से रोग होते हैं आप एक ही बार में याद कर लेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। ओके, गिर राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय उद्यान जो हैं इतने भी हमारे हैं, यानी कि जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ज़्यादा नहीं बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, जितने राष्ट्रीय उद्यान हैं वो आपको याद करने, जितनी फेमस चीज़ें हैं इंडिया की वो पहले बात तो याद, पहली सबसे पहले याद होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो फ्रेंड्स ये डिटेल वीडियो नहीं थी, ये थे टॉपिक्स और इसमें मैंने बताया आपको कट ऑफ। फ्रेंड्स आपको मिलेगी 7 से 8 बजे एक वीडियो जो कि डिटेल रहेगी, टॉपिक्स जितने भी मैंने बताए हैं वो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, 1 बाय 1 कवर करेंगे सारे टॉपिक्स, एक वीडियो में सारे टॉपिक मिलेंगे, उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। और अभी इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर क्रिएट कर दी है मैंने, मतलब अभी 15 मिनट में मैं क्रिएट कर रहा हूँ, वो क्रिएट हो रही है, देन मैं आपको ये पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं आराम से। फ्रेंड्स मुझे जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, मतलब ऐसी वीडियो तो नहीं क्योंकि ये कट ऑफ था, इसमें ज़्यादातर मैंने बताया नहीं आपको, मतलब आप जो पढ़ने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ समझने के लिए मैंने बोला था आपको कि भाई इतना समझिए कि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकता। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, देन डेली विजिट करिएगा ऑनलाइन फेस स्टडी को और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।